हेलो दोस्तों, मैं हूं राव। आज की इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट थीम बताता हूं जो कि है डोटा 2 थीम। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा दोस्तों, तो वहां जाकर इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट करके वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए थीम पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो आपका डिफॉल्ट ब्राउज़र होगा ये वहाँ से ओपन जाएगा। इसके बाद जाके आप इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सिंपली आपको अपना फाइल मैनेजर को ओपन करना है। अगर आपका बेस वर्जन है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं थीम को। और अगर आपने अपडेट कर रखा और ये फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल कर रखा तो आपको सिंपली अपने ये फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है और जो थीम है उसको कॉपी कर लेना है दोस्तों। और सिंपली आपको उसको .dwd फोल्डर के अंदर, जो कैपिटल टी फोल्डर होता है उसके अंदर आपको जाके इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको अपने थीम ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम आ चुकी है। सिंपली आपको जाके इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जो थीम थी यहाँ पर हमारी डोटा 2 थीम यहाँ पे पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आइकन्स है दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आइकन्स का स्टाइल है यहाँ पे पूरा का पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैसेज, फाइल मैनेजर, फ़ोन, लॉक, आई थीम, यूट्यूब, क्रोम, लाइट, म्यूजिक, प्ले स्टोर, ब्राउजर, एल्बम। और जैसे आप किसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा दोस्तों। साथ में आप देख सकते हैं जो टाइम विजिट है यहाँ पर हमारा वो भी चेंज हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद देख सकते हैं जो हर जगह आपको कस्टमाइजेशन मिलेगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो आइकन से बहुत अच्छा लग रहा है। फोल्ड आइकन भी चेंज हो चुका है यहाँ पर। आइकन्स देख सकते हैं आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, नोट्स और बाकी जो आइकन जैसे कैलकुलेटर सारे। इसके बाद हम आते हैं मैसेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप मैंने मैसेज को ओपन किया तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपको पॉपअप का इंटरफेस मिल जाएगा स्टेटस बार में, और जो फ़ोन है वो रेड कलर का शो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको फाइल मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो एक आइकन मिल जाता है जैसे यहाँ पर फ़ोन मेमोरी सेट स्टिकर और कैटेगरी का। इसके बाद अगर आप किसी थीम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड मिल जाता है। साथ में जैसे कि आप यहाँ पर भी आपको बैकग्राउंड मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफाई एक्सटेंशन पे जैसे मैं गया तो यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा, जो कि पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन हुई है दोस्तों। ये है इसका नोटिफिकेशन पैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन पैनल दोस्तों वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको एक टाइगर का वॉलपेपर मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, ये है इसका रीसेंट पैनल। तो रीसेंट पैनल में भी कस्टमाइजेशन हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आइकन्स थे यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे सारे आइकन, चाहे वो आपका डाटा का हो, वाईफाई का हो, सारे आइकन्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टेटस बार में। तो जो नेटवर्क आइकन बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों। राइट साइड में बैटरी आइकन भी आपको सिलेंडिकल मिल जाएगा जैसे MI के फोन्स में होता है। और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं लोगो भी लिखा है यहाँ पर डोटा 2। और ये जो पावर सेविंग बोर्ड है उसकी जगह पर आपको एक आई का बटन यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप आपको दोस्तों या क्रीम कलर आप कह सकते हैं फेस कलर में आपको शो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं प्ले स्टोर। तो जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको रेड कलर का इंटरफेस शो होगा प्ले स्टोर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ हम आते हैं अब आई म्यूज़िक। तो जैसे आप आई म्यूज़िक को ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको आई म्यूज़िक में इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा बैकग्राउंड। और नीचे के जो आइकन्स वो भी चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। सेटिंग्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अच्छी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिस्टल टाइप का जो बॉक्सेस बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। जो ऑन ऑफ करने का जो बटन है ये भी सही है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि रिकॉर्डर। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे उसके मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट्स में भी कस्टमाइजेशन हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वीडियो प्लेयर, ओवरऑल ये आपको हर जगह यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलेगी। जैसे कि क्लॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लॉक में भी कस्टमाइजेशन हुई है, साथ में वीवो क्लाउड में भी। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको इस टाइप से ये थीम मिलेगी। जैसे कि अभी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा दोस्तों। और विजडम इंजन भी यहाँ पे आपको जैसे कि ब्राउजर का जॉइंट नोटिफिकेशन आया वो भी। इसके बाद हम आते हैं इसके लॉक स्क्रीन पर। पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी इसका जो लॉक स्क्रीन है ये डोटा 2 का ही एक वॉलपेपर यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर आपको साफ क्लियरली शो हो रहा होगा दोस्तों। तो ओवरऑल ये बहुत ही ऑसम थीम है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो वहाँ जाकर इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने पिन किया ऐसे तो यहाँ पर जो आइकन है बिल्कुल चेंज हो चुके हैं दोस्तों। तो ये भी इसके अंदर कस्टमाइजेशन मिलेगी आपको। तो अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। थैंक यू गाइज़।